गुजरात के मेहसाणा का चुनावी मिजाज। 28 साल से यहां बीजेपी का वर्चस्व। क्या एक बार फिर मेहसाणा में खिलेगा कमल? क्या है मेहसाणा सीट का सियासी समीकरण? गुजरात में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इन चुनावों में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर से चुनावी दंगल में उतरी है। गुजरात में जारी इस चुनावी समर के बीच वन इंडिया हिंदी आपको प्रदेश की उन चर्चित सीटों के राजनीतिक समीकरण, इतिहास और मौजूदा हालातों के बारे में बता रहा है, जो अपने आप में बेहद खास है। इस कड़ी में आज बात होगी गुजरात की सबसे चर्चित और बीजेपी का गढ़ रही मेहसाणा विधानसभा सीट की। गुजरात में मेहसाणा सीट इस चुनाव की सबसे चर्चित सीटों में से एक है। बीजेपी का गढ़ रही मेहसाणा में कांग्रेस पार्टी पिछला चुनाव 1985 में जीती थी। इसके बाद कांग्रेस यहां अपना खाता तक नहीं खोल पाई है। इस बार मुकाबला कैसा रहने वाला है, सब कुछ बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि इस वीडियो में हम मेहसाणा सीट के बारे में क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले बात राजनीतिक इतिहास की, फिर मौजूदा समीकरण, फिर चुनावी मैदान में कौन कौन है इस पर जानेंगे, और आखिरी में बात होगी अहम फैक्टर की। ये वो मुख्य बातें हैं जिनके बारे में आगे हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात इतिहास की। गुजरात में मेहसाणा सीट बीजेपी का गढ़ रही है। 1960 में गुजरात के गठन के दो साल बाद 1962 में राज्यों में पहली बार चुनाव हुए। तब से अब तक एक उपचुनाव समेत इस सीट पर हुए कुल 14 चुनावों में से ज्यादातर बार इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। बीते 28 सालों से बीजेपी यहां कब्जा जमाए हुए हैं। 1985 के बाद से कांग्रेस यहां खाता नहीं खोल पाई है। अगर बात पिछले तीन विधानसभा चुनावों की करें तो 2007 में बीजेपी के अनिल कुमार पटेल यहां से चुनाव जीते। 2012 और 2017 में बीजेपी के नितिन पटेल यहां से चुनाव जीते और विधानसभा पहुंचे। ये तो हुई बात इतिहास की। अब थोड़ा मौजूदा समीकरण पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात मतदाताओं की करते हैं। मेहसाणा सीट में कुल 2,80,634 मतदाता हैं। इसमें 1,35,422 महिला और 1,45,210 पुरुष मतदाता है। वहीं बात अगर उम्मीदवारों की करें तो इस बार के चुनावी मैदान में सत्तारूढ़ बीजेपी ने पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल की जगह मेहसाणा जिला बीजेपी अध्यक्ष मुकेश पटेल को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने पीके पटेल को तो आम आदमी पार्टी ने भगत पटेल को टिकट दिया है। मेहसाणा सीट में पटेल वोटर जीत और हार का अंतर तय करते हैं। यही वजह है कि सभी पार्टियों के उम्मीदवार पटेल समुदाय से ही हैं। इस सीट पर 5 दिसंबर को दूसरे चरण में मतदान होगा। ऐसे में इस बार देखना दिलचस्प होगा कि क्या मेहसाणा में इस बार फिर कमल खिलेगा या आम आदमी पार्टी की एंट्री और कांग्रेस की रणनीति से सियासी समीकरण बदलेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।